वेलकम बैक टू योर चैनल माई डियर स्टूडेंट देखिए इंडियन एयर फोर्स के लिए पिछले साल के जो क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम्स में उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे ठीक है आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है कंटिन्यू रहनी चाहिए जो इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे वो इसे लाइक like भी ज़रूर कर दें ताकि हमें पता चले कि आप तक ये चीज़ें पहुंच गई हैं ठीक है और एक बात हम आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए कि इस प्रश्न में यदि इस वीडियो में मान लीजिए कि पंद्रह क्वेश्चन हैं तो पंद्रह में से हो सकता है कि आपको पंद्रहवाँ तेरहवाँ या चौदाहवा क्वेश्चन आपके लिए ऐसा रामबाण साबित हो कि वो हु क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ दे तो इसलिए पूरा अंत तक जरूर इसको देखिएगा ठीक है और हम एक चीज आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब जो बार बार रिपीट करता है यानी कि कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि वो इस बार भी पूछा जाए तो उस प्रश्न पे उस वर्ड मीनिंग पे हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत इस वीडियो के नहीं पूरे वीडियो जितना भी मेरा होगा सब में यही रहता है ठीक है थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं इसलिए हम बोलते हैं थोड़ा टाइम निकाल के ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रहता है दस से पंद्रह मिनट के बीच ही रहता है तो थोड़ा टाइम निकाल के आप इसको देखा तो या एक आध बार पूछ लिया है उसको हम लोग सिंपली एक बार पढ़ के निकल लेंगे आगे लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर थोड़ा डिस्कस होगा ताकि आपको याद हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं माई डर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है देखिए जिन कैंडिडेट्स की इंग्लिश बहुत वीक है सिंपली ध्यानपूर्वक देखेंगे इसमें क्या करना है फाइंड द इरर करना है ठीक है जिसको कॉमन इरर भी बोलते हैं ठीक है इसमें यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर गलत रहता है तो ए सही हो जाएगा यानी जिस पार्ट में गलत रहता है वही सही हो जाता है अगर कोई गलती नहीं रहती है पूरे सेंटेंस में तो नो इर यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होता है ठीक है चलिए एक बार इस सेंटेंस को पढ़ते हैं इतना लंबा चौड़ा देख के डरने की बात नहीं है कि अरे यार इतना लंबा सेंटेंस दे दिया गलती छोटी सी होती है ठीक है चलिए कह रहा है कि फ्रॉम जर्मनी टू वेनेजुएला, कहां से कहां तक जर्मनी से वेनेजुएला तक टू साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका तक वेनेजुएला से लेके साउथ अफ्रीका तक इक्विटी मार्केट्स अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है मार्केट एक है कि एक से अधिक एक से अधिक मार्केट्स यहां तक तो कोई गलती नहीं है इन बोथ मेचर एंड इमर्जिंग मार्केट्स यहां पे भी प्लूरल आया ठीक है यहां पे भी प्लूरल आया तो यहां पे जो वर्ब आया है वो हैज होगा कि होगा। है दोनों जगह जो मार्केट्स के अनुसार यहां पे क्या होना चाहिए था होना चाहिए था। बल्कि है क्या यहां पे? हैज है। तो क्या हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है बी पार्ट में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए लंबा चौड़ा सेंटेंस देख के आपको एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं है एक बार ठंडे माइंड से क्वेश्चन को पूरा लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा पहले सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा ठीक है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेक कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ये तो सिंपली बहुत इजी बात है इसको ये दोनों चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा ठीक है हो सकता है ज्यादातर गलतियां एयरफोर्स में इन्हीं सब चीज़ों में मिल जाती है क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जब आप हाई लेवल की एग्जाम देते हैं जैसे सीजीएल वगैरह हो, हो गया तो उन सब में बहुत तरह तरह की इरर पूछते हैं लेकिन आप लोगों के लेवल में सिंपली यही सब क्वेश्चन रहते हैं ठीक है चलिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिविंग विस ब्लैंक इज टू फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर इसमें से क्या करना है कि ये जो चार ऑप्शन इसमें से एक सही भरना है या फिर कह सकते ब्लैंक सिंपली आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक करके भी दे देता है अब क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि द बिल्डिंग इज बींग डैश बाय द लेबर्स अब देखिए इसमें क्या करना है मेक का वर्ब भरना है तो वो किस प्रकार होगा तो मेक होगा या मेड होगा या मेकिंग होगा या मेक्स होगा क्या होगा सिंपली मेड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ये आपने अक्सर देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट रहता है तो उस पर लिखा रहता है मेड इन चाइना या कि फिर मेड इन इंडिया है ना मेड इन जापान है ना तो सिंपली क्या होता है मेड इन है ना तो मेड बाई जापान मेड बाई चीन ऐसा भी होता है तो मेड बाई यहां पे सिंपली हो जाएगा ठीक है इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, नहीं बहुत है, है, ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहा है कि द होमवर्क तो क्या हो जाएगा होमवर्क कितने समय में खत्म हो जाना चाहिए एक घंटे में एक घंटे में तो क्या हो जाएगा इन एन आवर है ना देखिए यहां पे सिंपली मतलब कि जो यहां पे भरने के लिए जो सुटेबल वर्ड था वो तो था विद इन विद इन विद इन था ना यानी कि एक घंटे के अंतर्गत की की बात जा रही तो विद इन था लेकिन यदि आपके ऑप्शन में विद इन नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ना आपको फिल करना है बाहर से तो ला के विद इन करेंगे नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इन अप्रोप्रिएट है ये भी देखना होता है ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा इन ए इज द राइट आंसर ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स की इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर गिविन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन दिच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवेन वर्ड मतलब कि ये जो वर्ड जो दिए गए हैं इसका बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है तो ये जो वर्ड है ये हर्डल है आप अपने इसके नोटबुक में लिख लीजिएगा हर्डल एच यू आर डी एल ई हर्डल हर्डल का मतलब होता है बाधा मतलब कि किसी चीज या कि फिर किसी काम में बाधा आती है तो उसको हर्डल बोलते हैं यहां पे हो जाएगा सी यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन इसका मतलब भी क्या होता है बाधा नेक्स्ट कहते हैं पैरिटी फाइव नंबर में कह रहा है पैरिटी पैरिटी का मतलब होता है समीपता यानी कि क्लोजनेस क्या हो जाएगी क्लोजनेस यानी ए यहां पे भी सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें क्या करना है आपको बेस्ट इसमें भी मीनिंग बताना है ठीक है अपोजिट बताना है क्या करना है अपोजिट यानी कि विलोम शब्द यहां पे बताने हैं तो पहला शब्द है यहां कर्स बहुत ही सिंपल है कर्स आप लोग सुनते हैं कि कर्स मतलब क्या होता है अभिशाप देना क्या होता है अभिशाप बोलते हैं ना हम लोग अपने भाषा में कि श्राप दे देंगे पुराने ऋषि मुनि क्या करते थे श्राप दे देते वही अभिशाप उसको इंग्लिश में कर्स बोलते हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा जी बिल्कुल सही बॉन इसका उल्टा हो जाएगा बॉन मतलब होता है आशीर्वाद देना क्या होता है आशीर्वाद देना श्राप देना का उल्टा क्या हो जाएगा आशीर्वाद देना सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिजारे बिजारे मैंने आपको बता चुका हूँ की जैसे कि आप देखेंगे आ, मेरी जो डेली डीवीडी आती है यानी कि डेली वो जो आती है उसमें बिजारे मैंने करा दिया आपको बिजारे मतलब क्या होता है जी बिल्कुल सही इसका मतलब होता है असाधारण यानी कि विचित्र क्या होता है असाधारण यानी कि विचित्र तो क्या हो जाएगा ऑर्डनरी ऑर्डनरी माने क्या होता है साधारण ठीक है और जो बाकी के वर्ड है चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं ठीक है कॉमिकल मतलब होता है अनोखा कॉमिकल मतलब क्या होता है अनोखा तो ये अनोखा और असाधारण हो सकता है दोनों साइनोनिम हो जाए ड्रॉल का मतलब क्या होता है हंसी उड़ाना किसी चीज का हंसी उड़ाना रिडिकुलस का मतलब होता है इसका भी मतलब होता है उपहास करना या कि फिर किसी का मजाक उड़ाना लेकिन डी मतलब क्या होता है ऑर्डिनरी मतलब साधारण और असाधारण आ जाए तो क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब भी होता है विचित्र असाधारण ठीक है ये चारों पांचों आपको मीनिंग समझ में आ गई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर सेलेक्ट द अल्टरनेटिव सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फ्रेज पे देखिए है और इसका मीनिंग आपको बताना है दिया है कैट नैप ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इस पर हम थोड़ा टाइम लेंगे डिस्कस करेंगे आपको समझा के आगे बढ़ेंगे ठीक है कैट नैप हो सकता है कुछ लोग जानते हो लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए देखिए हम बता दें कैट नैप का मतलब होता है बिल्ली झपकी बिल्ली झपकी का मतलब आप देखते हैं कि बिल्ली ऐसे बैठे बैठे अचानक से एक झपकी लेती है और उसकी नींद पूरी हो जाती है कहने का तात्पर्य यही है कि इसका मतलब होता है टू हैव अ शॉर्ट लाइट स्लीप मतलब दिन में सोया जाने वाला एक हल्की सी झपकी जिसको हम लोग पावर नैप के नाम से भी जानते हैं इससे रिलेटेड एक आपको स्टोरी सुना देंगे तो शायद कभी नहीं ये भूलेगा जापान का नाम आप लोगों ने सुना होगा जापान एक कंट्री है तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जो कंपनियाज होती हैं कंपनी जो होती हैं वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे जो कंपनी होती है उस कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे उनके लिए एक ऐसा रूम बनाया गया होता है जो कि एकदम वहाँ पे कोई साउंड नहीं सुनाई देता और फुल एसी और बढ़िया उसमें सोफा वगैरह लगा रहता है ठीक है तो क्या होता है कि जैसे जो वर्कर वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं काम करते करते जैसे चार घंटे के बाद एक उनको पावर नैप लेने का मौका मिलता है चार घंटे के बाद वो वहाँ जाते हैं और बैठते हैं बैठते ही वो इतना कंफर्टेबल होता है कि आंख तुरंत लग जाती है और ओनली पंद्रह मिनट के बाद अलार्म उनको बच जाता है या फिर वो चेयर उनको खुद जगा देती है इतना डेवलप एरिया है वहाँ पर इतना डेवलप कंट्री है ठीक है तो वो क्या होता है पंद्रह मिनट का क्या हो गया पावर नैप हो गया और वो कैट नैप हो गया उस पंद्रह मिनट में ही जब वो उठते हैं तो लगता है कि यार मैं पूरी नींद सो के उठते हैं तो दैट वॉज पावर नैप या कि फिर कैट नैप भूलेगा नहीं ना एकदम नहीं ना मतलब हल्की झपकी दिन में आप नहीं बैठे बैठे लगता है सो गए तो इसको कैट नैप बोलते हैं समझ में आ गया आगे बढ़े जी बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्टूडेंट वर ऑल इन द स्पीकर Started talking about the changes in the exam. देखिए ऑल ईयर सिंपली यदि पूछते देखिए कभी कभी एडियम फ्रेंज पूरा एक सेंटेंस में पिरो के दे देता है और कभी कभी अकेले दे दे देता है। जैसे कि कैट नैप अकेले दे दिया और दूसरा जो दिया है वो पूरा सेंटेंस में पिरो के दिया है तो पूरे सेंटेंस में आपको जनरली मतलब नहीं होता है लेकिन पूरा में यदि दे, दे, दे देता है तो आप थोड़ा सा सेंस लगा पाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ठीक है तो हम लोग जो हाईलाइट किया इसी का मतलब जानना है हमको ऑल ईयर का मतलब होता है कि किसी चीज को सुनने के लिए एकदम अलर्ट हो जाना है ना लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से इसका प्रयोग किया गया है और वो ऑप्शन नहीं है उस प्रकार का तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर वेन द स्पीकर स्टार्टेड टाकिंग अबाउट द चेंजेज इन द एग्जाम यानी कि विद्यार्थी चुप थे जब स्पीकर ने परीक्षा में बदलाव के बारे में बात करना शुरू किया तो चुप थे विद्यार्थी द स्टूडेंट्स वर साइलेंट यानी कि बी यहां पर हो जाएगा ठीक है ना बी इज द राइट आंसर आई होप आप समझ पाए होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने कह रहे हैं कि इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कह रहा है कि दिस स्टैंडर्डाइडाइज्ड प्लेटफॉर्म विल अलाउ टू अश टेलर कस्टम सर्कुलम दैट विल यहाँ पे देखिए इसी को फील कर रहा है ठीक है इसी को इसका बेस्ट एक्सप्रेस क्या हो सकता है वो दिखाना है टू टैलेंट इंटरेस्ट एंड लाइफ गोल्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मैच हो जाएगा सिंपली ठीक है विल बी के बाद ज्यादातर क्या आता है थर्ड फॉर्म विल बी के बाद थर्ड फॉर्म तो मैच के क्या हो जाएगा मैच नेक्स्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग द मीटिंग ही डिस्कस्ड ईच ऑफ द सजेशन एंड ही सॉरी एंड हाउ दे आर कुड दे आर कोड बी implemented तो so, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाउ इट कुड ठीक ना हाउ इट कुड समझ में आ गया चलिए ये सिंपल है ये आपकी एग्जाम में नहीं पूछेगा ठीक है चलिए बात करते हैं जिस चीज की जो पूछने वाला है ये जो वन वर्ड जो है कि ये बेस्ट सब्सटीट्यूट इसका बताना है ये वन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डू अवे विद डू अवे विद का मतलब क्या होता है जी किसी चीज को क्या करना एबोलिस कर देना यानी कि क्या हो जाएगा यहां पे बी हो जाएगा डू तो अवे का मतलब क्या होता है किसी चीज को यहां पे क्या करना समाप्त कर देना समझ पा रहे हैं ना इसका मतलब होता है समाप्त कर देना या कि फिर मुक्त हो जाना डू अवे तो क्या हो जाएगा सी यानी मतलब भी क्या होता है समाप्त हो जाना या कि फिर मुक्त हो जाना मुक्त हो जाना ए ए में कह रहा है कि रिप्लेनिस इसका मतलब क्या होता है फिर से भरना और रिफर्बिस का मतलब क्या होता है नवीनीकरण देखिए री कहीं भी आ जाए तो बात हो जाएगी कि पुनः जैसे हम लोग करते हैं रिचार्ज क्या करते हैं फोन को रिचार्ज करते हैं यानी पुनः चार्ज करते हैं है। और रिलिंग मतलब क्या होता है रिलिंग्विस मतलब होता है त्यागना ठीक है चलिए ये जो नेक्स्ट है इसमें क्या करना है करेक्ट द स्पेल्ड वर्ड यानी कि इसमें कौन सी सही स्पेलिंग है उसको चूज करना है मैं इन दोनों चीजों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्पेलिंग टेस्ट में बता चुका हूं बताइए सक्सीड का जो राइट मीनिंग है वो क्या होगा ऑप्शन ए बी सी या कि फिर डी बिल्कुल सही सी इज द राइट आंसर ये एस यू डबल सी डबल ई डी याद रखेंगे एस यू डबल सी डबल ई डी नेक्स्ट वर्ड कह रहा है बिस्किट का सही स्पेलिंग क्या होगा जी बताइए बिल्कुल सही सी यानी कि बी आई एस सी यू आई टी बिस्किट याद रखेंगे तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट वीडियो ठीक है आप लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा बाकी चीजों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर